को पावर्ड बाय सब टेंशन करो सेस एंजॉय खाइबा को बेस नमस्कार मु वंदिता चीन ताइवान ने हेबा को जाउची युद्ध एथिलागि समस्त पक्ष प्रस्तुति रे व्यस्त ताइवान तार समस्त फोर्स को अलर्ट मोड रखी अमेरिका भी चलाई समराभ्यास आउ जापान और दक्षिण कोरिया भी निज निज स्तर में युद्धाभ्यास कर निज क्षमता को परीक्षा करपरिस्थले जदि किए सर्वाधिक आक्टिव थाए तेबे से हेउची ड्रागन चीन सी जिनपिंग एबे तांक शत्रु को मुकाबला करबा लागि प्रस्तुति करिछंती एमिति एक ब्रह्मास्त्र जहां शत्रु को गोड़ाई गोड़ाई मारिबो ताइवान को नहीं शीघ्र मुहांमु होगाक जाउछंती ड्रागन एवं ईगल अमेरिका और चीन युद्ध में चीन लागी सबुठारु अधिक चिंता रहुछि अमेरिकार जेट ठारु अमेरिकार करियर बैटल ग्रुप ठारु अमेरिकार फाइटर जेट एवं करियर बैटल ग्रुप रो मुकाबला लागी एबे चीन प्रस्तुत करिछि तार सबुठारु बड़ अस्त्र जहाँ को कहा जाउछि चीन रो आत्मघाती दल यह केवल अमेरिका नुहे ताइवान जापान एवं दक्षिण कोरिया को भी टार्गेट करिबो आउ एमाने निजकु नष्ट करि चीन रो शत्रु को बर्बाद कर देबे चीन रो सुपर सीक्रेट वेपन जहां विषय रे दुनिया बहुत कम जाने चीन रो सही सीक्रेट सिस्टम जहां अमेरिका पाई मध्य पलटी एक बड़ रहस्य सी जिनपिंग को यहां ऊपर एते विश्वास जे से वर्तमान यहां को आत्मघाती दल भाव में व्यवहार करने को प्रस्तुत एगुड़िक हेउछि सही अस्त्र जहां निजकु विस्फोरण करि अन्य को नष्ट करि देबे एगुड़िक हेउछि एपरि अस्त्र जहार रोल आत्मघाती हेबो चीन रो चांगचुन एयर शो रे चीन पुणि थरे एपरि एक ड्रोन देखाइछि जहार टार्गेट रे रहिछि अमेरिका रो सबुठारु गुप्त ओ स्पेशल बेस यहा हेउछि चीन रो वजन 8 हाइपरसोनिक ड्रोन जहां को दुनिया जाने WZ 8 भाबरे यहा हेउछि सही ड्रोन जहां द्वारा सी जिनपिंग अमेरिका रो F-22 एवं F-35 परि स्टेल्थ फाइटर जेट शिकार करबा को चाहुचंती किंतु यहा संभव कि यहा एपरि ड्रोन जहार गति बुलेट थारु मध्य अधिक द्रुत यहा एपरि एक ड्रोन जहां हाइपरसोनिक जहार गति 5000 किलोमीटर रु मध्य अधिक बोली कहा दाउछि किंतु यहा केवल दाबी मात्र यहा टोही मिशन को सफल करबा दिगरे काम करिवो यहा टार्गेट उपरे आक्रमण भी करिवो एथि पई यहा निज को नष्ट करि शत्रु को पहुंचाइबो विपुल क्षति दुनियार सामरिक विशेषज्ञ माने एही हाइपरसोनिक को अमेरिकार स्टेल्थ फाइटर पई सबुठारु बड़ विपद बोली कहिसेंती चांगचुन एयर शो रे सबुठारु अधिक चर्चित एही हाइपरसोनिक ड्रोन परेड रे चीन प्रथमे एहाकु देखाइला सारा विश्व को अक्टोबर रे चीन बेजिंग रास्ता रे लॉन्च करथिला एही ड्रोन को जहां परे सारा विश्व एहाकु देखिला पूर्वरु एही ड्रोन रो मात्र किछि अस्पष्ट चित्र प्रकाश पाइथिला किंतु एबे परेड रु बाहरिबा परे एही ड्रोन चीन रो एयर शो रे भाग नैछि एबे चीन एक प्रकार सारा दुनिया को धमकाउछि जे यहार ड्रोन किभली पालटी पारे एक डेंजरस वेपन सिस्टम ताइवान को नहीं अग्निवर्षा होता बेले चीन एपरि करिछि ताइवान सहित अमेरिका और जापान को मध्य युद्धर धमक दि जाउछि We will maintain seamless surveillance of PRC activities and adopt the stance of the closer to the island, the stronger the countermeasures to respond to PRC intrusion and attempt. Taiwan ro sena Chinese drone ko track kariba bisoy re kahuchi.
बोध हुए एमाने जानती नहीं जे वजन एई ड्रोन ताइवान पाई एते विपज्जनक प्रमाणित हेबो सेमाने जानी भी पारिबेनी जे तांकू आक्रमण किए करूची केउठु करा दउची। एबे ताइवान आखपाखरे चीन रो नौसेना भी एक्टिव आउ अमेरिका रो नौसेना मध्य सक्रिय रहिछि। या मध्यरे एमिति अस्त्रशस्त्र देखा दउची जहां दुनिया पूर्वरु केबे देखि नथिला। केवल इंटरनेट बा कोनोसी पत्रिकारे एगुड़िक विषय केवल छोट उल्लेख मात्र रहुथिला। एबे नुआ सिक्रेट ड्रोन किपरि काम करिवो एहाकु अति जत्नर सह बुझन्तु, कारण एगुड़िकर टार्गेट को ही लक्ष्य रखी एगुड़िकु प्रस्तुत रखिछि चीन। अमेरिकार बड़ बड़ युद्ध जहाज को टार्गेट करिबा पई डिजाइन करा दैछि वजन एट को, अर्थात वजन एट हाइपरसोनिक बेगरे उड़िबो एवं अमेरिकार क्यारियर स्ट्राइक ग्रुप रे घंटा प्रति 5000 किलोमीटर बेगरे माड़ हेबो। जदि चीन और अमेरिका मध्यरे युद्ध हुए तबे अमेरिकार युद्ध जहाज को संपूर्ण ध्वस्त करिबा हेबो सी जिनपिंग सबुठारु बड़ टार्गेट। गत अनेक दशंधि धरी चीन एथिपई चलाइछि प्रस्तुति। चीन एभली क्षेपणास्त्र सबु प्रस्तुत करिछि जहाकु कुहादौछि क्यारियर किलर। चीन रो युद्ध प्रस्तुति को नहीं केवल एतिकी कथा नुहे, आमे आहुरी अनेक कथा मध्य कहिबु, किंतु आगामी रिपोर्ट को अति जत्नर सह देखन्तु, कारण आज एही रिपोर्ट रे चीन को नहीं आमे एपरी किछि कहिबाकु जाउछु जहा सृष्टि करिछि दुनिया प्रति विपद। ड्रैगन फोटो दुनिया को विपद, एहा किछि नुवा कथा नुहे, किंतु एपरी नुआ नुआ अस्त्र सामना को आसुची जहाँ को देखिले केवल ताइवान बा अमेरिका नुहे, विश्वर अन्य देश माने मध्य संकित हेबा स्वाभाविक, कारण ड्रैगन एबे पलटिची सारा दुनिया रा शत्रु। ताहले ता केउ अस्त्र को नै समस्त सतर्क हेबा उचित से संपर्क रे आसंत जानिबा। विश्व पई सतर्क हेबार बेळ, चीन पक्षरु दुनिया को बड़ विपद। ड्रैगन प्रस्तुत करिछि किछि ब्रह्मास्त्र जहां समस्तंकु देई पारे चकमा। ताइवान हेउ बा तार अन्य पड़ोसी वर्तमान समस्तंक सह चीन रो लागि रहिछि विवाद। चीन एबे प्रस्तुत करिछि किछि मारात्मक अस्त्र, एही पांच मारात्मक अस्त्र को कुहा दउछि ड्रैगन रो ब्रह्मास्त्र। एहा हेउछि पांचटी विपज्जनक क्षेपणास्त्र। DF-21 रो रेंज हेउछि 2000 किलोमीटर। एहा हेउछि चीन रो क्यारियर किलर मिसाइल। चीन रो इंटरकॉन्टिनेंटल बालिस्टिक मिसाइल DF-31 रो रेंज हेउछि 11000 किलोमीटर। DF-41 एहा रो रेंज 15000 किलोमीटर। चीन रो बहुत बड़ा आणविक मिसाइल DF-5 जहार रेंज 13000 किलोमीटर। आउ बुड़ाधातर उत्क्षेपण करा जाई पारुथिबा मिसाइल JL-2 जहार रेंज हेउछि 8000 किलोमीटर रु अधिक। चीन रो एपरि विपज्जनक उद्देश्य को बुझिबा निहाती जरूरी, कारण एइथ्रु ही जणा पड़िबो चीन रो युद्ध मॉडल किपरि हेबो, से एपरि अस्त्रशस्त्र सहित प्रथमे केउठारे आक्रमण करिबो। एसबु मध्यरे चीन रो हाइपरसोनिक अस्त्रशस्त्र रो भय बढ़िबारे लागिछि, कारण चीन रो एही शक्ति विश्वयुद्ध रो विपद को पूर्णि सक्रिय करि दैछि। सारा दुनिया रे एबे पतरा दउछि चीन कोन प्रकृतरे एही हाइपरसोनिक अस्त्र सहित आणविक आक्रमण करिबो कि, एपरि हेले जिनपिंग को निष्पत्ति नेबाकु केते समय लागिबो, से बटन दबाइबाकु स्थिर कले चीन रो प्रथम टार्गेट किए हेबो, कोन चीन अमेरिका को टार्गेट करिबो, चीन जापान को टार्गेट करिबो कि, ना चीन रो प्रथम परमाणु बोमा पड़िबो ताइवान उपरे। एही समस्त अस्त्र मध्यरे DF-21 बालिस्टिक क्षेपणास्त्र अमेरिकार नौसेना पई सबुठारु विपज्जनक, कारण वर्तमान एहा चीन रो सबुठारु विपज्जनक मिसाइल जहां अमेरिकार युद्ध जहाज को टार्गेट करि परिबो। वास्तव रे चीन रो एही क्षेपणास्त्र भंडार विषय रे कहिबार एक बड़ कारण रहिछि। चीन रो एही क्षेपणास्त्र गोदाम वर्तमान विश्व रे सृष्टि करिछि एक बड़ चैलेंज। चीन रो एपरि क्षेपणास्त्र जहां अमेरिका पर्यंत आक्रमण करि परिबो, ए संपर्क रे एबे व्हाइट हाउस को तुरंत किछि करिबा दरकार।
ନହେଲେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଚୀନ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଦେବା।危地马拉，不要为虎作伥。尽早认清国际大势，早日做出符合历史潮流的决定。ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାକୁ ଏହାର ଦୁଇ ଅତି ପ୍ରିୟ ଓ ବହୁତ ଖାସ୍ ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ୱେଜନ୍ 8 ହାଇପରସୋନିକ ଡ୍ରୋନ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କ୍ୟାରିୟର କିଲର ଓ ଷ୍ଟେଲ୍ଥ କିଲର। ଆମେରିକାର ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ଜେଟ୍ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚୀନ ପଟୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବିପଦ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବୁ। ଆମେରିକାର F-22 ଓ F-35 ବିଷୟରେ ଚୀନର ବାୟୁସେନା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ୱାଙ୍ଗ ସିଂ 2020ରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ଏହି ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ବିରୋଧରେ ହାଇପରସୋନିକ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଏହି ସିକ୍ରେଟ୍ ଜେଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଗୁପ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ଆମେରିକାକୁ ଏହାର F-22 ଓ F-35କୁ ନେଇ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ ନୂଆ ରଣନୀତି। କାରଣ ଏପରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ଯେ ସଫଳତା ମିଳିବ ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଚୀନର ଏୟାର ଶୋରେ ଅନେକ ଫାଇଟର, ଅନେକ ଜେଟ୍ ଓ ବାୟୁସେନାର ଅନେକ ବମ୍ବର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି J-20 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଚୀନର ଏୟାର ପାୱାର ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା। ଆମେରିକାର F-22 ଓ F-35କୁ ଅଟକାଇବା ଲାଗି ଏହା ଏବେ ଚୀନର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜାହାଜ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଅଟକାଇବା ଲାଗି ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। କାରଣ ଏହି ଜାହାଜ ଆମେରିକୀୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଗରେ ତିଷ୍ଠିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚୀନ ଏବେ ନିଜର ହାଇପରସୋନିକ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦୁନିଆ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁରାଗ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଚୀନର ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏହାକୁ ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ହାଇପରସୋନିକ ଡ୍ରୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଟକ୍କର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରହିବ। ଚୀନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚାଇନିଜ, ଏହାକୁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯିବା ଉଚିତ ତାହା ଆପଣ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଚୀନର ନୀତି ସର୍ବଦା ଶତ୍ରୁକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇବା ଆଉ ତା ମନରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଚୀନର ଆତ୍ମଘାତୀ ହାଇପରସୋନିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଣିବ ପ୍ରଳୟ। ନିକଟରେ ଆମେରିକା ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପଯୋଗୀ ହଣ୍ଟର କିଲର ଡ୍ରୋନ୍ ବା MQ-9B କିଣିବା ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ତେବେ ଡ୍ରୋନ୍ର କ'ଣ କେବଳ ଏହି ବିଧ୍ୱଂସକ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ନା ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଏହି ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ଡ୍ରୋନ୍ସ ମାନେ ରିମୋଟ୍ରେ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଥିବା କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିବା ବିମାନ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ବଢ଼ିଛି ଡ୍ରୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର। ଏହି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବେ ଦୁନିଆରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରୋନ୍ର ଦୁନିଆ କେବଳ ସାମରିକ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ଖେଳ ଏବଂ ବାହାଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ କ୍ୟାରିୟରର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ। ଫିଲ୍ମ, ଚାଷ, ମ୍ୟାପିଂ ସହ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଡେଲିଭରି। ଡ୍ରୋନ୍ ଏକ ମାନବ ବିହୀନ ବିମାନ ଯାହାକୁ ରିମୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଏହାର ଆକାର, ଓଜନ ଓ ବ୍ୟବହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କିଛି ଡ୍ରୋନ୍ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍, ଆଉ କିଛି ମାନୁଆଲି ଅପରେଟେଡ୍। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଡ୍ରୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର ବାହାଘର, ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି, ଆଲବମ୍, ଚାଷରେ ଔଷଧ ପକାଇବା ଓ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ଭେ ଲାଗି ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ସେହିପରି ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ବି ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭା ଓ ଆୟୋଜନ ସମୟରେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।
आम देश में वर्तमान ड्रोन संख्या लक्षाधिक जहाँ को उड़ाऊ प्रशिक्षण पाई पायलट सिनेमा चाष मैपिंग फोटोग्राफी वीडियो और मिलिटारी क्षेत्र में एमती लोकों सन्धान आरंभ हो सारी जो मैंने ड्रोन उड़ाइवा जानते एथपाई केतक घर अनुष्ठान भी निजर स्वतंत्र विभाग और प्रशिक्षण कोर्स आरंभ कर संख्या दिनक दिन बढ़िवार लगी प्रशिक्षण एथपाई आवश्यक कारण आखि को सहज देखाऊ ड्रोन उड़ाइवा एत सहज कथा नुहे अवश्य भविष्य में ऑटोमेटिक बा रोबोट ड्रोन को भी विकसित करंपानी तो डेलीवरी करने को ड्रोन व्यवहार आरंभ कले जेभि भाव ड्रोन व्यवहार बढ़ुच्च आगक यह आम जीवन एक गुरुत्वपूर्ण अंग हो निश्चित धीरे धीरे मनुष्य जीवन में गुरुत्वपूर्ण अंग पलटुच्छी ड्रोन विशेष उपयोग हो नीतिदिनिया जीवन में साधारण काम व्यवहार ड्रोन उपयोगिता बढ़ुच्ची किंतु ड्रोन केबे एवं किभली निर्माण होला ड्रोन भली यार विकास कहानी भी बेस रोचक आसंतु से नहीं जानिबा ड्रोन आकाश रे घूरी बुलुथुबा एभली यंत्र जहां को रिमोट बा मोबाइल द्वारा नियंत्रण करा जाए केही केही यहाँ को अनमैंड एरियल व्हीकल यूएवी बा मानव विहीन विमान बोली कहते दिनक दिन बढ़ुची ड्रोन संख्या बढ़ुची विभिन्न क्षेत्र में यार व्यवहार साधारण रिमोट जोगे खेलना हेलिकॉप्टर उड़ेवा भली प्रजुक्ति एथिरे भी व्यवहार हुए एथिरे अधिक उन्नत प्रजुक्ति व्यवहार होता है यह दीर्घ समय धरी आकाश में उड़ी पारे यहाँ अनेक दिगर नियंत्रण करे प्रथम ड्रोन केबे तैयारी हेला से नहीं कौन प्रमाण योग्य तथ्य नहीं तेरे प्रथम मानव रहित विमान तैयारी लगे प्रथम विश्वयुद्ध परे परे आरंभ हो जाता प्रक्रिया 1918 अमेरिका सेना आकाशमार्ग रो आक्रमणकारी टर्पेडो परीक्षण कला जार ना थिला कैटरिंग बम यह पूर्ण विकसित होगा पूर्व युद्ध शेष हो गला 1935 युक्तराज्य रॉयल एयरफोर्स निर्माण कला क्वीन बीई नामक एक यूएवी यह थिला रेडियो तरंगे चलुवा प्रथम मानव रहित विमान एथिलागी प्रथम व्यवहार हेला ड्रोन शब्द 1942 जर्मानी आर्मी रिसोर्स सेंटर U-1 फ्लाइंग बम परीक्षा कला यह भितर अमेरिका सेना भी प्रशिक्षण में लक्ष्य भेद करने काम ड्रोन रो उपयोग आरंभ कला 6 अगस्त 1946 अमेरिकार P-17 फ्लाइंग फोर्टेस नामक एक ड्रोन मुरोक सेना विमान बंदर उड़ाण आरंभ कला सेपरि भिएतनाम युद्ध समय रे भी अधिक संख्यक ड्रोन व्यवहार कला अमेरिका मुख्यतः खबर पहुंचाइबा और अन्य जिनिषपत्र नेवा आनिबा कामरे एहा को लगा गला 4 फेब्रुआरी 2002 अफगानिस्तान रे ड्रोन द्वारा ओसामा बिन लाडेन उपरे आक्रमण हेला तबे आक्रमण स्थली रे नथिला लाडेन अवश्य यार किछु दिन पूर्वरु अफगानिस्तान रे अमेरिका ड्रोन चक्कर काटुथिले सेइ समय रे इजराइल इरान रे भी सेना व्यवहार लगे ड्रोन व्यवहार आरंभ हेला भारत रे डीआरडीओ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अनेक श्रेणी ड्रोन विकास काम लगे आगको मध्य अधिक उन्नत धरणर ड्रोन विकसित करा जाउछि ड्रोन विषय एते कथा जानिबा परे अनेकक मनरे आसुथिबो किभलि हेबो आगामी दिनर ड्रोन एहा केते उन्नत केते उपयोगी हेबो ड्रोन मनुष्य लागि केते क्षतिकारक होइ पारे एहा कुने किभलि सतर्क हेबा जरूरी आसंतु ए सब प्रश्नर उत्तर खोजिबा ड्रोन साधारण फ्लाइंग मशीन नुहे
ଏହା ହୋଇପାରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ ଅତିଘାତକ। ତେବେ କିଭଳି ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନର ଡ୍ରୋନ୍, କ'ଣ ହେବ ତାର ଉପଯୋଗିତା, କ'ଣ ତାର କ୍ଷତିକାରକ ଦିଗ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡ୍ରୋନ୍ ରେସିଂ ବା ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରେ, ଏ ଦିଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଉଦ୍ୟମ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ରେସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଷଣ୍ଢ ବା କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ପରି ଡ୍ରୋନ୍ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖେଳ ହୋଇପାରେ। ସାମରିକ କାମ ଲାଗି ବଢ଼ିବ ଡ୍ରୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର। ବୃହତ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳର ଜଗାରଖା ହେଉ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁର ଅଜାଣତରେ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗତିବିଧି ଜାଣିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣ, ସାମରିକ କାମ ଲାଗି ଡ୍ରୋନ୍ ଆଗକୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେବ, ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ସେହିପରି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡ୍ରୋନ୍ ଜଗତରେ ଆଣିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଗକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ମଣିଷ ଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଏହା ଯେତିକି ଲାଭଦାୟକ ହେବ ସେତିକି ଘାତକ ବି ହୋଇପାରେ। ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ, ନିର୍ମାଣ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଜଳସେଚନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବ। ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ସର୍ଭେ, 3D ମ୍ୟାପିଂ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଡ୍ରୋନ୍। ଫିଲ୍ମିଂ, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପରିଚାଳନାରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜଗତରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା। ତାଛଡ଼ା ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ, ଯୋଗାଣ ଓ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାରର ଅନେକ ହାନିକାରକ ଦିଗ ବି ରହିଛି। ଖାସ୍ କରି ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ରହିଛି ବଡ଼ ବିପଦ। ଏହା ବାଦ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଛି। ସେହିପରି ଗୁପ୍ତଚର ବୃତ୍ତିରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଓ ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ସାମରିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବଡ଼ ବିପଦ। ପୁଣି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରିବହନକାରୀ ବା ଅନ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ସହ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟମକାନୁନ ସହ ସଚେତନତା ବି ଲୋଡ଼ା। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ନିଆଁ ଭଳି, ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ମଣିଷକୁ ଦିଏ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଆଣେ ଉନ୍ନତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅସଦ୍ ବ୍ୟବହାର ଡାକି ଆଣେ ପ୍ରଳୟ। ଏଇ ଯେମିତି ଚୀନର ଆତ୍ମଘାତୀ ହାଇପରସୋନିକ ଡ୍ରୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର, ଏହାକୁ ଦେଖି ଏବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ମାତିଯିବେ, ଯାହା ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବ। ସମୟ ସରିଛି, ଆଜି ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।